हाय गाइस, आई एम निशांत। तो आज मैं आपके लिए क्या बहुत ही बढ़िया पिकाचू रीडिंग। तो आइए चालू करते हैं पिकाचू रीडिंग। तो पहले हम पिक्सआर्ट चालू करेंगे। पिक्सआर्ट चालू होने के बाद आपको अपनी कोई भी एक फ़ोटो चूज कीजिए और जिसका बैकग्राउंड क्रॉप कर लीजिए। तो मैं पहले बैकग्राउंड चूज करूँगा, और इसको अच्छी तरह से अपनी बैकग्राउंड पे सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद इसको डन करेंगे और जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको इरेक्ट करेंगे इरेजर से और यहाँ से डन कर लूँगा। डन होने के बाद हम फिर से एड फोटो में जाएंगे और एक पिका जो बहुत ही मस्त पिक है वो मैं इसे ऐड करूँगा। अगर आपको ये चेंजेस चाहिए हो पिकाजू की और बैकग्राउंड का, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से आसानी से ले सकते हैं। तो ये पिकाजू को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा और आप दूसरे साइड से लगा आप वहाँ से लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छे तरह से सेट कर दूँगा। सेट होने के बाद ऐड कर दूँगा। फिर इसके बाद हम फिर से जाएंगे ऐड फोटो पे और एक लाइटनिंग का पीएनजी है मेरे पास, वो मैं यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि पिकाचू के अंदर से जो लाइटनिंग निकलती है वैसा रिफ्लेक्शन मिलेगा उस पिक से। आ गई है, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से अपनी फोटो पे सेट कर लीजिए। सेट होने के बाद फिर से डन कर दीजिए और फिर फोटो को और पिकाचू का टाइटल का पीएनजी है मैं वो यूज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ पर ऊपर कलर सेट कर देता हूँ, बहुत मस्त लग रही थी। यहाँ पे मेरा पिक्सआर्ट में का पूरा काम हो चुका है, तो यहाँ से मैं डन कर दूँगा। डन होने के बाद ड्रॉ टूल में जाके मैं अपनी इमेज को सेव कर दूँगा। यहाँ से सेव कर देंगे। सेव होने के बाद हम गाइस लाइटरूम में अपनी फ़ोटो ओपन करेंगे जहाँ पर हम अपनी फ़ोटो को शार्पनेस और क्लियरिटी और अपना ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारी फ़ोटो और ग्लो करने लगेगी। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो पिक्सआर्ट में एडिट की हुई ऐड कर लूँगा। ऐड होने के बाद गाइस मेरी फ़ोटो यहाँ पे लाइट रूम में ओपन हो गई है। तो अब लाइट में जाके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, हाईलाइट्स को भी, शेडो को थोड़ा बढ़ा लूँगा, वाइट को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, ब्लैक को थोड़ा कम कर दूँगा। इसके बाद हम जाएंगे इस पर जहाँ पर हम मिक्स में जाके ये वाला कलर चूज कर इसका थोड़ा ह्यूज बढ़ा देंगे और सैचुरेशन नहीं सैचुरेशन इतने रहने दे। डन करने के बाद हम आगे जाएंगे और अपनी फ़ोटो की क्लियरिटी थोड़ी बाहर रह देंगे और उसके बाद विग्नेट को थोड़ा कम कर देंगे। फिर हम जाएंगे आगे वाले टूल पे, यहाँ से हम अपनी फ़ोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे और जो रिडक्शन बढ़ा है उसको कम करने के लिए नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है।